हमने अभी बताया कि ये शहर की कंपैरिजन नहीं हो रही, वहां की क्लाइमेट की कंपैरिजन चल रही है। और माय डियर दोनों तरफ ये जो पटना की क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली यहां भी आरा का क्लाइमेट होना चाहिए। ये पूरा ये पटना का क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आरा, ऐसे होगा तब सही होगा यहां द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आरा, ऐसे अब सही होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं बता रहा हूं माय डियर कि जब दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, दो नाउन की तुलना करते हैं, तो दोनों नाउन सेम कैटेगरी का होना चाहिए, दोनों सेम कैटेगरी का। अगर दोनों में से एक भी डिफरेंट है तो वो गलत होगा, उसका कंपैरिजन होगा नहीं। मतलब एक मैन का मैन से कंपैरिजन, एक एनिमल का एक एनिमल से कंपैरिजन, एक प्लेस का दूसरे प्लेस से कंपैरिजन, एक पेन का दूसरे पेन से कंपैरिजन, समझ रहे हैं? एक पेन का फैन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, एक मोबाइल का टीवी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल से कंपैरिजन कर सकते हैं, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन कर सकते हैं, एक शहर का दूसरे शहर से कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके शहर के क्लाइमेट का एक शहर के क्लाइमेट का दूसरे शहर के क्लाइमेट से कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों तरफ सेम नाउन होना चाहिए, एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। अगर दोनों तरफ अलग अलग है तो माय डियर वो सेंटेंस गलत होगा, उस तरह का कंपैरिजन नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। तब अब जब ये सेंटेंस सही हो गया है तब भी थोड़ा सा एरर बच गया। वो एरर क्या बच गया है मैं बताता हूँ। हमने आपको जब नाउन पढ़ाया था या प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें बताया था कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। मतलब एक सेंटेंस में एक कॉमन वर्ड को यूज नहीं कर सकते, कॉमन वर्ड। अब यहां पे देखते हैं कॉमन वर्ड है, सही है ना, दोनों कॉमन वर्ड है और एक ही सेंटेंस में दो कॉमन वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत फिर से हो गया। अब इसको सुधारेंगे कैसे? तो इस तरह के सेंटेंस को माइंड कैसे सुधारते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ, क्लाइमेट को छोड़ देते हैं और इसके जगह पे लिखते हैं दैट ऑफ, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ आर। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, अब इसको कोई नहीं काट सकता, एकदम परफेक्ट। देख लीजिए यहां पे सिंगुलर नंबर है इसलिए दैट यूज किया, सिंगुलर नंबर ये भी। अगर यहां पे मान लिया जाए कि प्लुरल होता, क्लाइमेट्स होता, तो क्लाइमेट्स का जगह हम यहां पे यूज करते हैं दीज, सॉरी दोज, बात समझ लीजिए। यहां सिंगुलर होगा तो यहां भी सिंगुलर यूज करेंगे, यहां प्लुरल होगा तो यहां भी यूज करेंगे। मान लिया हमने हमने यहां पे लिखते पीपल लिखते हैं, पीपल द पीपल ऑफ पटना इज बेटर देन द पीपल ऑफ आर, तो पीपल कॉमन हो गया, नहीं लिखेंगे पीपल। तो ये पीपल क्या होता है, प्लुरल नंबर होता है, दिखता सिंगुलर है लेकिन ये होता है प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए दोज यूज करेंगे। बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। अब आपका इस क्लास में एडजेक्टिव का चैप्टर फिनिश हो गया, एडजेक्टिव का 10 काइंड्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसमें आपको आज की इस वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव का टेक्निक के तीनों कांड उसको पढ़ा दिया, कैसे चेंज करते हैं ये भी पढ़ा दिया, अभी एडजेक्टिव फिनिश हो गया। अब आपको अगले क्लास में इसका आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला लेसन बनाया जाएगा, तब तक घर में रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, गुड बाय।